नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। यूपी के हाथरस जिले में पुलिस की सतर्कता काम आई है। यहां थाना सैपो की पुलिस ने अलर्टनेस के चलते जलेसर रोड पर से एक नाबालिग ट्रक क्लीनर को ट्रक सहित पकड़ा है। पुलिस के अनुसार यह ट्रक क्लीनर हरियाणा के पलवल जिले के थाना होडल इलाके से 118 फ्रिजों से लदे एक ट्रक को उड़ाकर ले जा रहा था। इस थाने के हेड कांस्टेबल ने अपने इलाके के एक पेट्रोल पंप पर से इस घटना की 11 तारीख को घटित होने तथा थाना सैपो इलाके में ट्रक के बरामद होने की पुष्टि की है। ट्रक के ट्रांसपोर्टर का कहना है कि ट्रक में 14 लाख की कीमत के फ्रिज लदे थे। मामले में हाथरस के एसपी का कहना है कि ट्रक चोरी की प्लेस हुई, एक सूचना पर बरती गई अलर्टनेस पर यह बरामदगी हुई है। ट्रक को 14-15 साल का एक बच्चा चला रहा था, जो अपने को ट्रक चलाने में परंपरागत बता रहा था और उसका इरादा माल सहित ट्रक को बेच देने का था। समाचार टू जेड के लिए हाथरस से हबीब खान के साथ सलमान खान की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा तेरा? कहाँ का रहने वाला है? ये गाड़ी चला के लाया था तू? कहाँ से चला के लाया था? होटल। क्या रखा हुआ था गाड़ी में? वो फ्रिज। तो गाड़ी कहाँ से चला के लाया था, किस जगह? होटल। होटल से चला के लाया था? तो और कोई भी तेरे साथ था? तो गाड़ी वहाँ से अकेले चला के लाया था। कितनी उम्र है तेरी? 14 साल। कहाँ पकड़ा, कहाँ गया था तू? कितनी तारीख को पकड़ा गया था? 13-12 पकड़ी गई थी। अच्छा। और घर में कौन कौन है घर में? भाई बहन। तो तेरे अकेला ही गाड़ी चला के लाया था? हाँ। और कोई भी साथ था? सामने उठा। नाम क्या है? राजकुमार। पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। क्या मामला है ये? किस कंपनी से है? हरलाल का रोड लाइन से। जी, ये क्या घटना रही है? कितने? ये गाड़ी पंप पे खड़ी थी जी। किस जगह? होटल। अच्छा, होटल ऑटो सर्विस पंप पे खड़ी थी जी। ड्राइवर ऑफिस में हिसाब करने के लिए, फीजल पर्ची लेने के लिए और एडवांस लेने के लिए आया जी। तो पीछे से उनके साथ जो उनका लड़का इंजेक्टर था या कोई उन्होंने अपना बंदा रखा हुआ था, वो गाड़ी लेके वहाँ से चला गया। जब वहाँ पहुँचा, वो उसको गाड़ी नहीं दिखी, तो उन्होंने हमारे ऑफिस के लोगों को फ़ोन किया, तो उन्होंने GPRS के जरिए गाड़ी का पता लगाया, तो गाड़ी यहाँ क्रैश हुई। तो उन्होंने फिर 3-4 जगह फ़ोन किए पुलिस कंट्रोल रूम को, तो यहाँ गाड़ी इस थाने पुलिस ने कवर कर। गाड़ी के अंदर क्या था? फ्रीज। कितने लाख के थे? 14 लाख। और गाड़ी? गाड़ी लगभग 15 लाख। किस तारीख में की घटना है वहाँ? 11 तारीख। ठीक। ये प्रकरण, यहाँ पलवल फरीदाबाद से एक ट्रक चोरी की सूचना आई थी। वहाँ के मालिक ने सभी थानों को और सभी जनपदों को फ्लैश किया था सूचना कि उसका ट्रक चोरी हो गया है और नहीं मिल रहा है। इस पर मेरे द्वारा भी इस जिले के सभी थानों को अलर्ट किया गया था। उसी अलर्ट का परिणाम था कि सापो थाना क्षेत्र में वो ट्रक बरामद हुआ, और जब बरामद हुआ तो उसे 14-15 साल का एक बच्चा चला रहा था। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वही गाड़ी लेकर के वहाँ से आया है, और वो बहुत दिनों से गाड़ियों पर रह करके ही क्लीनर का काम करता था इधर उधर, जिस दौरान उसको गाड़ी चलाने की कला आ गई। और उसका खुद का कहना है कि वो किसी भी तरह की गाड़ी को बड़ी बखूबी चला सकता है, और वो लेके जा रहा था एटा की तरफ। वो उसका पूरा प्रयास था कि इस ट्रक को और जो सामान है उसमें कि उसको किसी और लोगों का मदद लेकर के उसे बेच दे, जिससे उसको पैसा मिल जाए। और वो ये लड़का बहुत दिनों से इसी तरह से